क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हिंदुस्तान न्यूज 24 और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज स्पिन गेंदबाज हरभजन सिंह ने विश्व कप 2019 में महेंद्र सिंह धोनी के लिए विशेष आवाज उठाई है। इस दौरान भज्जी ने धोनी को लेकर भारतीय टीम मैनेजमेंट को नसीहत भी दे डाली। भज्जी ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के लिए यह आखिरी विश्व कप साबित हो सकता है, लिहाजा धोनी के प्रदर्शन पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। ऐसे में भज्जी ने टीम मैनेजमेंट से उम्मीद जताई है कि धोनी को अपने मन मर्जी के मुताबिक खेलने की छूट दी जाएगी। दरअसल हरभजन सिंह का मानना है कि धोनी में अब भी अकेले दम पर मैच का रुख मोड़ने की क्षमता मौजूद है, लेकिन इसके लिए उन्हें मध्य क्रम में खुलकर खेलने की छूट मिलनी चाहिए। खासतौर पर भज्जी ने महेंद्र सिंह धोनी के साथ साथ ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की वकालत करते हुए कहा कि दोनों को मन मुताबिक बल्लेबाजी करने की छूट देनी चाहिए। भज्जी ने कहा, धोनी के पास करारे शॉट मारने की कला बरकरार है। धोनी किसी भी स्पिन गेंदबाज की दूसरी गेंद पर छक्का जड़ देते हैं और वह ऐसा कर भी सकते हैं, क्योंकि मैंने चेन्नई सुपर किंग्स के अभ्यास सत्र के दौरान नेट्स पर धोनी को बल्लेबाजी करते देखा है और उनके छक्कों में आज भी बहुत जान है। खैर, हरभजन सिंह के साथ साथ भारतीय क्रिकेट फैंस भी धोनी को दबाव मुक्त खेलते देखना चाहते हैं। अब देखना होगा क्या टीम मैनेजमेंट धोनी को बेखौफ होकर खेलने की इजाजत देता है या नहीं। इसके अलावा दिग्गज बल्लेबाज युवराज सिंह को विश्व कप के लिए भारतीय टीम में शामिल नहीं किए जाने के सवाल पर भज्जी ने अपनी बेबाक राय रखी है और कहा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 6 गेंद पर 6 छक्के जड़ने वाले युवराज सिंह सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विश्व के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक हैं, लेकिन दुर्भाग्य से यूवी विश्व कप 2019 में भारतीय टीम का हिस्सा नहीं है। भज्जी ने यहां तक कहा कि विश्व कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में भारत को मध्यक्रम बल्लेबाजी में युवराज की कमी जरूर खलेगी।